चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैनेडियम का तीन ऑक्साइड दिया हुआ है, B2O3, B2O4 एंड B2O5, जिसमें वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, +4 एंड +5 रिस्पेक्टिवली। अब बोला गया इसमें जो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है, तो ध्यान देना जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट होगा उसका बेसिसिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो इसमें मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होने वाला है V2O3। अब बोला गया है इसमें जो आपका मेटल आयन है उसका स्पिन ऑलिमेटिक मोमेंट निकालना है, यानी बेसिकली हमको पहले इसमें इस वैनेडियम आयन का यानी V+3 आयन का हमको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए पहले। तो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर +23 होता है, तो V+3 का जो कॉन्फिग्रेशन होगा ये हो जाएगा Argon 3D2। अब 3D2 का मतलब क्या है, इसमें अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, अनपेल्ट्रॉन 2 हो गया। अब जो मैटिक मोमेंट है, तो मैटिक मोमेंट आप जब निकालते हो तो मैटिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √(n)(n+2)। यहाँ पे n जो होता है n डिनोट करता है नंबर ऑफ अनपेल्ट्रॉन को। तो अब जब n को पुट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, √8 के आसपास आएगा, और √8 का जो नीरेस्ट इंटीजर निकलेगा ये होगा अराउंड 3 के आसपास, यानी आपका जो नीरेस्ट इंटीजर इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा 3। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।